अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी वेजिटेबल दाल, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मूंग की दाल एक पाव, बंद गोभी एक प्याली, शिमला मिर्च एक प्याली, मटर आधी प्याली, प्याज हमारी दो अदद छोटी साइज़ की बारीक काट लें, आलू एक अदद बारीक कट क्यूब की शक्ल में काट लें, एक अदद हमारा आलू है, गाजर दो अदद बारीक काट लें, टमाटर दो अदद बारीक काट लें, ऑयल एक प्याली, पिसा हुआ अदरक लहसुन एक खाने का चम्मच, जीरा एक चाय का चम्मच, चिकन पाउडर एक खाने का चम्मच, साबित लाल मिर्च छः अदद, हरी मिर्च तीन अदद इसको बारीक काट लें, कड़ी पत्ते दस अदद, हरा धनिया बारीक कटा हुआ दो खाने के चम्मच, लहसुन चार जवे इसको बारीक काट लें, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, किनौर क्यूब एक अदद, पिसी हुई लाल मिर्च दो खाने के चम्मच। अब हम वेजिटेबल दाल बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली लेंगे, दाल को धो के हम इसमें डालेंगे, दाल इसमें डालेंगे एक कप पानी, सूख लाएंगे, इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, नमक, हल्दी और ये कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिस समय दाल अच्छी तरह गल जाएगी। ये देखो दाल सारी चीज़ें मैं इसमें अच्छी तरह डाल दी हैं। अब मैं इसको गलाने रख दूँगी आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे। पैन को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, हम इसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल हम इससे डालेंगे, हमें हर सब्ज़ी अलग अलग फ्राई करनी है, दो खाने के चम्मच ऑयल, ये हमारा गर्म हो रहा है, हम इसमें डालेंगे गाजर, गाजर का तकरीबन हम इसको 3 मिनट फ्राई करेंगे इस तरह से। गाजर हमारी थोड़ी सख्त होती है, थोड़ा देर से गलेगी, इसलिए हम इसको 3 मिनट लाजमी इसको हम फ्राई करते रहेंगे इस तरह से। हमारा गाजर फ्राई करिए, गाजर को आप बारीक बारीक काट लीजिएगा ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए, मोटे गाजर की देर में फ्राई होगी आपकी गाजर कच्ची रहेगी, इसलिए आप बारीक बारीक काट को 3 मिनट इसको फ्राई कर लें इस तरह से। आप इसको फ्राई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब सब्ज़ी भी हमने अलग अलग ही फ्राई करनी है, एक साथ करने से सब्ज़ी करते सब वो घुट जाएगी और कुछ नहीं, अब इसको अलग अलग फ्राई कर सकते हैं। गाजर हमारी फ्राई हो गई 3 मिनट के लिए, अब हम फिर हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल, अब इसमें हम डालेंगे बंद गोभी, इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, बंद गोभी जल्दी फ्राई हो जाती है, वाइट भी कर देंगे, हम इसे 2 मिनट लेंगे, इसको बस 2 मिनट इसको फ्राई करते रहेंगे, इसको इस तरह से हमारी बंद गोभी फ्राई होगी, बारीक बारीक काट दीजिएगा इस तरह से। बंद गोभी अच्छी बहुत होती है, इसलिए जल्दी गल जाती है, तो बंद गोभी हमारी बहुत जल्दी फ्राई हो भी जाती है। देखिए हमारी जो बंद गोभी नरम होना शुरू हो गई है, इससे हम इसे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, बंद गोभी जैसे बंद गोभी हमारी फ्राई हो रही है अच्छी तरीके से। याद है कि ऑयल हमारा 2 ही चम्मच होना, 2 खाने चम्मच होने चाहिए, ज़्यादा ऑयल वेजिटेबल में अच्छा नहीं लगता इस तरह से। 2 मिनट हो गए हमारी बंद गोभी फ्राई हो गई है, हम इसमें डालेंगे फिर 2 खाने के चम्मच इस तरह से। आपने बड़े चमचे लें, यही साइज जो मैं दिखा रही हूँ आपको इसी साइज़ के लेने हैं 2 खाने के चम्मचे, और इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इसको तो हम 1 मिनट ही कर देंगे, तो शिमला मिर्च भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी हमारी, इसको बारीक बारीक रात में शिमला मिर्च काट लें, ये हमारी शिमला मिर्च 1 मिनट में हो जाएगी फ्राई, शिमला मिर्च ज़्यादा टाइम नहीं देती फ्राई होने में, ये 1 मिनट में फ्राई हो जाती है अच्छे खासी, इस तरह से आप हम इसको फ्राई करते रहेंगे
चमचे भी नहीं मुस्तकिल चलाना है ताकि सब्जी हमारे पैन में ना लगे। इस तरह को चमचा हिलाते रहेंगे ताकि सब्जी हमारी हर अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई हो जाएगी। ये इस तरह से और क्यूब्स की शक्ल में काट दीजिएगा आप। शिमला की शिमला मिर्च हमें अच्छे से फ्राई हो जाएगी जल्दी जल्दी। इस तरह से फ्राई करें हमारी शिमला मिर्च। एक मिनट हो गया हमारी गोभी शिमला मिर्च जो फ्राई हो गई। अब हम डालेंगे दो खाने के चम्मच फिर से दोबारा। इसको भी हम दो चमचे लेंगे खाने के। इसमें डालेंगे मटर। मटर को तकरीबन 5 मिनट फ्राई करेंगे। मटर थोड़ी ड्राई करते देर से फ्राई होती है। हम इस तरह 5 मिनट तक इस तरह फ्राई करते रहेंगे। इस तरह से मटर हमारी फ्राई होगी। उसके बाद में उसको भी चमचा चला लें, छोड़ना नहीं है। उसके बाद में डाला और आपको छोड़ दे, उसको हिलाते रहना मुझ सके ताकि मटर हमारा अच्छी रहेगी। सब में फ्राई हो गया ऑयल के अंदर। इसको हमने 5 मिनट पूरे 5 मिनट फ्राई करना है। इस तरह से मटर थोड़ा रेस्ते होता है फ्राई। इस तरह से आप करते रहेंगे मटर हमारे ना लगेगी और उसकी तरह फ्राई हो जाएगी। इस तरीके से हमारी फ्राई हो जाएगी। अच्छा मेरी मटर फ्राई हो रही है। आवाज़ भी कुछ अच्छी आ रही है मटर फ्राई करने की। इसको हिलाते रहना मटर को। मटर हमारे फ्राई हो गए 5 मिनट। हमने पूरा इसको फ्राई करा है। हम डालेंगे दो खाएंगे चमचे ऑयल फिर से। अब इसमें हम डालेंगे आलू जो हमारे क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए हैं। ये भी हम 5 मिनट फ्राई करेंगे। ये आलू भी देर से फ्राई होता है हमारा। इसको भी हम 5 मिनट फ्राई करेंगे। आलू आप फीका आलू लीजिएगा। जो सर्दी में नया आलू आ रहा है उसको वाला आलू लीजिएगा फीका आलू। वो मीठा आलू लेंगे तो वो कटू जल जाएगा पैन में। इसको हम फीका आलू लेंगे एक कदर। इसको क्यूब्स की शक्ल में काट के हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हमारा आलू हम क्यूब्स की शक्ल में काट के उसको फ्राई कर लेंगे। आलू थोड़ा 5 मिनट ही लेगा पूरा। इस तरह से 5 मिनट के फ्राई करेंगे। हल्के हल्के से उसको फ्राई करते रहेंगे। हमारे आलू जो है फ्राई हो गए। फीका आलू ज़्यादा अच्छा रहेगा मलबल मीठे आलू के। तो आप मीठा आलू डालेंगे दाल हमारी मीठी हो जाएगी। वेजिटेबल दाल जो हम बना रहे हैं वो मीठी हो जाएगी। इसलिए आप जो है फीका आलू ही लीजिएगा दाल में डालने के लिए। आलू हमारा 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया हमने। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल सिर्फ 1 चम्मच। इसको इसमें डालेंगे प्याज। इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करिएगा। प्याज हमने 1 मिनट फ्राई करनी है लाल में। इस तरह से हमने फ्राई करनी है प्याज को। मुझसे कम और चमचे से आते रहना है। प्याज हमारी बारीक कटी हुई है। आप भी इसको बारीक काट लीजिएगा बिल्कुल बारीक। प्याज हमारे कट जाएगी। इस तरह से हिलाने से प्याज भी हमने 1 मिनट ही करनी है। ज़्यादा नहीं करनी है। बनाइए कटी ज़्यादा नरम हो जाएगी। हमें हल्का सा फ्राई करना प्याज को। इस तरह से प्याज हमारी फ्राई हो रही है। इस तरह से प्याज को फ्राई करना है लाल जी। जब ये हमारे दाल में टेस्ट आएगा। इस तरह प्याज हमारी फ्राई हो गई है 1 मिनट के लिए। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल पैन में। इसमें डालेंगे टमाटर। ये हमारी दो दो बारीक कटे हुए हैं। इसको भी हम 1 मिनट फ्राई करेंगे। टमाटर तो फ्राई वैसे ही गल जाते हैं मगर हम फ्राई कर डालेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए डाल दें टेस्ट और अच्छा हो जाएगा फ्राई करने से। इसको हम टमाटर को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर बहुत नरम होता है। वो जैसे कि फ्राई करने में गल जाते हैं। तो हमने 1 मिनट ही देना है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं फ्राई करना। ज़्यादा फ्राई करेंगे टमाटर हमारे खुल जाएंगे। इसमें से ज़्यादा नहीं करना बस। इसका दो रथ हमारे बारीक कटे हुए टमाटर हैं। इस तरह से करते हैं फ्राई। हमारे टमाटर अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। इस तरह हमारे टमाटर फ्राई हो गए। गर्म होना शुरू हो गया हमारे टमाटर। ज़्यादा नहीं हल्का सा बस 1 मिनट।
सब्जी हमारी सारी फ्राई चुकी हैं। अब सब्जी को हमने अलग अलग फ्राई करना है, कि जिस तरह से मैंने फ्राई करके दिखाया है आपने ऐसे ही फ्राई करना है। अगर आप सारी सब्जी एक साथ फ्राई कर लेंगे तो सब्जियों को टेस्ट नहीं आएगा, ना ही आप इसे साथ में दाल में डालिएगा। कोशिश ये करें जिस तरह से मैंने बताया वैसे दाल बनाएं, दाल बहुत अच्छी बनेगी, वेजिटेबल दाल जो मैं बना रही हूँ। और अलग अलग इसको लाजमी फ्राई करना है, एक साथ नहीं करिएगा लाजमी, तो अलग अलग फ्राई करके रखिएगा हर चीज़ में। तो अब हम चलते हैं दाल की तरफ, जो कि हम दाल की तरफ चलेंगे। दाल को देखेंगे हमारी कितनी गली है और उसका पानी चेक करेंगे। देखो दाल हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल रही है और पानी हमारा बिल्कुल ठीक है। ये देखें, यहाँ पर 2 कप पानी डालना है। ये देखें दाल हमारी बिल्कुल गल रही है और पानी भी बिल्कुल सही है। अब हम इसको दोबारा से ढक के रख देंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरीके से और गल जाए। अब हम दाल देखेंगे, दाल हमारी गली है, इसको उठाएंगे कवर, इसको तुम चला के देखेंगे। ये देखें दाल हमारी गल चुकी है, पूरा आधा घंटे में हमारी दाल गल गई है। ये देखें दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम इसमें डाल लेंगे चिकन पाउडर, ये हमारा चिकन पाउडर है 1 चाय का चम्मच भर के। और इसमें डालेंगे किनोर के पूरे 2 क्यूब हमें पूरे ही डालने, कम ज़्यादा नहीं रखना है, पूरा ही डालना बिल्कुल। और नमक आप दाल में जो मैंने बताया आधी चाय चम्मच वो ही रखना है, और ज़्यादा ही नहीं, किनोर में वैसे ही ऑलरेडी नमक होता है। हम इसको डाल के इस तरह से मिलाएंगे, ये देखेंगे ताकि किनोर की वो चिकन पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से हमारी दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएगी। दाल ये हमने इसे डाल के दाल में हमारा सबसे टेस्ट अच्छा आता है, किनोर की से और चिकन पाउडर से, तो दाल हमारी और मज़ेदार हो जाएगी इस तरह। और इसको हम डालने के बाद 5 मिनट फिर इसको हल्के हाथ पर छोड़ देंगे दाल को, ताकि हमारी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारे किनोर के ऊपर चिकन पाउडर अच्छी तरह दाल में मिक्स हो गया है। हम इसको घोटेंगे, आपके पता अगर डोई तब डोई से घोटें, मैं इसे चमचे से घोटूंगी इस तरह से। ये 5 मिनट हमें इसमें लगेंगे घोटने में। आप इसको 5 मिनट हल्का हल्का घोटते हैं ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से घुट जाए इस तरह से। इस तरह से हमारी दाल घुटती आराम से घुट जाएगी। और दाल हमने मूंग की दाल लेनी है, ना हमने चने की ली ना मसूर की, हमें सिर्फ मूंग की दाल में ही सारी सब्जी हमें डालनी है। इस तरह से आप इसको हिलाते जाए, इस तरह दाल हमारी घुटती रहेगी। दाल को जितना घोटेंगे दाल हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। इस तरह से आप घोटते रहेंगे। ये देखें अगर आपके पास डोई है कोई दूसरी चीज़ है आप उससे घोट सकते हैं दाल इस तरह से। वैसे मूंग की दाल है आराम से घुट जाएगी चमचे से, इस तरह से कोई परेशानी नहीं है हमें चमचे में घोटने में। इस तरह से हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं घोटेंगे। इस तरह से दाल हमारी घुट जाएगी हल्के हल्के। ये देखिए इस तरह से हमारी ये घुट रही है दाल। दाल हमारी अच्छी तरह से घुट गई है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। इस तरह से हम 1/2 कप पानी डालेंगे इसके अंदर और उसको हिलाएंगे इस तरह से। ये देखें दाल हमारी बिल्कुल सही तरह से घुट गई है, गल गई है इस तरह से। अब हम डालेंगे इसमें वेजिटेबल जो हमने इसमें फ्राई की हुई थी, वेजिटेबल डाल देंगे इसके अंदर। हम सारी हमें वेजिटेबल हम इसमें डाल दिए और दाल को हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह इस तरह। ये देखें सारी सब्जी हमने इसके अंदर डाल दी है। ये हमारी वेजिटेबल दाल बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुकी है। हमने सब्जी भी इसमें ऐड कर दी है। हम सब्जी डालने के बाद इसको सिर्फ हल्की आँच पे सिर्फ 5 मिनट देना है बस, हल्की आँच से ज़्यादा नहीं। ये देखें हमारी वेजिटेबल दाल कितनी अच्छी लग रही है। ये देखें हम इसको सिर्फ 5 मिनट इसको छोड़ देंगे हल्की आँच पे, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं, हल्की आँच पे हमें इसको रखना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। वेजिटेबल दाल हमारी तैयार है। देखें अब मैं इसमें बघाड़ लगाऊंगी। अच्छी तरीके से हमने दाल वाल सब गला ली, सब्जी हमारी अच्छी तरीके से खूब गल चुकी है। अब इसको कवर करके मैं इसमें बघाड़ लगाऊंगी। पैन को हम 2 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। अब इसमें जो हमारा ऑयल बच गया था एक प्याली में, हम इसको डाल देंगे इस तरह से। हमारी ऑयल बच गया था जो हमने फ्राई करने के लिए इसको लिया था, हम इसको बघाड़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें डालेंगे लहसुन जो हमारे बारीक बारीक कटा हुआ है, 4 अदद हमारा लहसुन है, हम 5 बारीक करके इसमें डालेंगे। ये हमारी साबुत लाल मिर्ची 6 अदद है,
और ये हरी मिर्ची 3 अदद जो मैंने इसको काट लिया है। अब इन सबको हल्के हल्के आँच पर फ्राई करेंगे इस तरह से हम। और हमारे ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो हमारी सारी चीज़ें जल जाएंगी। तो आप सिर्फ 2 मिनट पैन गर्म करके ऑयल डालेगा और इससे चमचे हिलाते रहिएगा ताकि चीज़ें हमारी जले ना हरी मिर्च, ना साबुदानी, ना ज़ीरा, इस तरह हिलाते रहेंगे। और तेज़ आँच पर डालेंगे, तेज़ ऑयल में डालेंगे तो हमारा सारा भंगार ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा उसको हल्की आँच पर इस तरह से करनी है फ्राई ताकि हमारी तीनों चीज़ों का टेस्ट बरकरार रहे। हरी मिर्च, लहसुन, साबुत मिर्चों का हमारा टेस्ट बरकरार रहे, जलने से जो का हमारा ऑयल सारा कड़वा हो जाएगा। भगाना हमारा तैयार है। देखिए मैंने लहसुन ज़्यादा डाल नहीं करा, हल्का लाइट लाइट पिंक से करा है और ज़्यादा मैंने इसको जलाया नहीं। अब हम इसको डालेंगे दाल में, भगार दिलाऊँगी हम इसमें। इसको कवर कर देंगे इस तरह से, इससे कि हमारे भगार की खुशबू रहेगी, उड़ेगी नहीं। अब दाल को हम भगार हमेशा ढक दे करें 5 मिनट के लिए, ताकि जिससे हमारी दाल की और भगार की खुशबू रहे। इस तरह से हमारी वेजिटेबल तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। वेजिटेबल दाल तैयार है। अगर आपको वेजिटेबल दाल की रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें।